अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास, उम्मीद है सब घर में खैरियत से होंगे। बेटा मेरा नाम है फरहान अहमद और ऑनलाइन लेक्चर 10th फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 साउंड। बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि आवाज़ की खसूसियात क्या क्या होती हैं, उसमें से हमने सिर्फ एक आवाज़ की लाउडनेस, आवाज़ की बुलंदी के बारे में पढ़ा हमने। और साथ में बेटा मैंने वहाँ पर आपको फैक्टर्स क्लियर किए थे, हमने वहाँ पर 4 से 5 फैक्टर्स पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो फैक्टर्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो टॉपिक था वो आपका एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन के सूरत में भी पूछा जा सकता है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाउडनेस के बाद वो है पिच। ये पिच क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेट साउंड। मतलब आवाजें आपके पास पिच की डेफिनेशन के लिए दो हैं, एक है श्रिल साउंड बहुत बारीक आवाज और एक है ग्रेव साउंड भारी आवाज। ठीक है, तो आवाज की पिच जो है ये बारीक और भारी आवाज के दरमियान में जो फर्क है, जो डिफरेंस आता है बेटा, इसे हम पिच कहते हैं। अच्छा, अब पिच को हम डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ और इस डायग्राम के साथ क्लियर करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पिच के जो फैक्टर्स हैं वो एक ही फैक्टर है, वो है फ्रीक्वेंसी। बेटा जिस आवाज की वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी, तो लिहाजा दोनों दरमियान में जो रिलेशन बनता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ग्रेटर विल बी द पिच। जितनी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, देखिए जी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन चैप्टर 1 में हमने क्लियर की थी कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरती हैं वो उस पॉइंट के लिहाज से उस आवाज की उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे आपके आपके सामने ये दो डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, डायग्राम 1 और डायग्राम 2। आप देखिए दोनों वेव में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ आप जरा देखिए कि आपको थोड़ी सी बड़ी वेव नजर आ रही है और यहाँ पर आपको कुछ बारीक सी वेव नजर आ रही है। अच्छा, दोनों सूरतों में यहाँ पर इस पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स यहाँ ज्यादा हैं या इधर? जी हाँ बिल्कुल, आप गौर से देखें तो डायग्राम 2 में इस स्पेसिफिक पॉइंट से वेव नंबर 2 जो है वो ज्यादा मिकदार में गुजर रही है, ज्यादा वेव है, तो हम कहेंगे दीज आर द हाई पिच साउंड। तो दोनों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये पता चलता है कि जिस वेव का वेवलेंथ, जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा, मतलब अगर आप गौर से देखें यहां से यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको क्रस्ट पढ़ा था, इसे ट्रफ पढ़ा था, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। तो ग्रेटर द वेवलेंथ ग्रेटर विल बी द स्मॉल नंबर ऑफ द वेव विल बी ट्रांसफर ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट से वेव की तादाद कम गुजरेगी, तो ऐसी साउंड वेव लो पिच साउंड और इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी वेव देखें बेटे, यहां पर आपको उसी के मुकाबले में ज्यादा वेव गुजरती हुई नजर आ रही होगी। ये अगर आप दोनों के वेवलेंथ को कंपेयर करें, इसका वेवलेंथ डायग्राम 1 का वेवलेंथ डायग्राम 2 से ज्यादा है, तो इसे हम कहेंगे हाई पिच साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कहेंगे इसका। अच्छा, आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि खवातीन और बच्चों की जो आवाज होती है वो बहुत बारीक होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक है ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के तो दोबारा आएगा, इसको मैं मजीद डिटेल में भी इंशाल्लाह वहां पर दोबारा लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा कि वो दरअसल होता क्या है ये फ्रीक्वेंसी के लेवल। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऐसी ये तसव्वुर किया जाता है कि खवातीन और बच्चों की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी होती है, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो साउंड वेव्स होती हैं, नंबर ऑफ वेव्स वो ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होने की वजह से हम उनकी आवाज को कहते हैं हाई पिच साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। तो अगर आप सवाल ये पूछा जाता है जो कि आपके इस टॉपिक के वेरी नेक्स्ट पेज पर भी दिया गया है ऊपर छोटा सा, ठीक है, पॉइंट पर, कि खवातीन की आवाज बच्चों की आवाज मर्दों की आवाज से हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच क्यों होती है, हम बताएंगे क्योंकि उनकी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से उनकी आवाज की पिच भी ज्यादा होती है। सो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लार्जर विल बी द पिच, मतलब उसकी पिच ज्यादा कंसिडर की जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड, आवाज की क्वालिटी। देखिए जी, ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो और आपकी क्लासरूम से बाहर आपके तीन टीचर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, तो आप उनकी आवाज सुन के फौरन आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस टीचर की आवाज है, ये इस टीचर की आवाज है और ये फलाने टीचर की आवाज है। दरअसल ऐसा क्यों होता है? देखिए जी, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हर शख्स की आवाज जो है वो दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होती है, बहुत कम मिलती जुलती भी होती है। तो आवाज जिनकी लाउडनेस सेम हो और जिनकी पिच सेम हो, मतलब कांस्टेंट लाउडनेस और कांस्टेंट पिच की सूरत में जो आवाजों में फर्क आता है, जो डिफरेंस आता है, वो आवाज क्वालिटी होती है। हर आवाज की क्वालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप कभी कोई एक सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपको अगर तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पता हो तो आप बता सकते हैं कि ये ड्रम है, ये फ्लूट है, या ये पियानो है, या कोई भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है अगर उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, ये याद रहे, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें कॉन्स्टेंट होना जरूरी है। सो व्हाट इज क्वालिटी? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। ऐसी आवाजें जिनकी लाउडनेस और पिच कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है, ठीक है, मतलब जो उनका वेवलेंथ है, उनके जो एम्पलीट्यूड है, वो तमाम चीजें कॉन्स्टेंट है, सेम है, तो उस सूरत में आवाजों के दरमियान जो फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे द क्वालिटी ऑफ द साउंड। आपके जितने भी साझा काम है, हर शख्स की आवाज मुख्तलिफ है, तो हर शख्स की क्वालिटी ऑफ साउंड भी डिफरेंट है। जितने सिंगर सुनते हैं, हर शख्स की आवाज मुख्तलिफ है, क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म, ठीक है। वेव फॉर्म का मतलब ये कि वेव बनती कैसे है, क्लियर। चलिए यहां पर तीन आपके पास मटेरियल्स हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्लूट है, क्लैरिनेट है, ठीक है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के वेव फॉर्मेशन अगर आप देखें, ट्यूनिंग फॉर्क की वेव फॉर्मेशन, फ्लूट की वेव फॉर्मेशन और क्लैरिनेट की वेव फॉर्मेशन के अंदर याद रहे पिच और लाउडनेस सेम है, मतलब सेम एम्पलीट्यूड और सेम नंबर ऑफ वेव्स, सेम वेवलेंथ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्लूट में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मतलब नोड पॉइंट पर, जो इसका पीक पॉइंट होता है, ठीक है, आगे के प्रॉपर नोड और एंटी नोड वगैरह टॉपिक भी आप इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इस तरीके का से अगर आप क्लैरिनेट में देखें, तो क्लैरिनेट में भी वेव फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वो जो आवाजों में क्रसेंट ड्रॉप पैदा होता है, उसके एक स्पेसिफिक पॉइंट बन जाते हैं, जो कि दूसरी आवाज से उसको इख्तलाफ देते हैं, मुख्तलिफ कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। तो यहां पे ये क्लियर होता है कि डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, डिफरेंट मटेरियल से पैदा होने वाली आवाजों की वेव फॉर्मेशन डिफरेंट होने की वजह से हम ये कहते हैं द क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट। बेटा ये आपका जो पूरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये एज इट इज लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तब उसमें आप लाउडनेस वाला टॉपिक भी लिखेंगे, सारी डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ वो डायग्राम भी है, पिच का टॉपिक क्लियर करेंगे, फैक्टर्स बताएंगे, डायग्राम्स बताएंगे, ठीक है जी, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज चलता रहेगा जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज की शिद्दत। अभी आवाज की शिद्दत क्या होती है? देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर मेरी इस क्लासरूम में सामने एक स्टूडेंट बैठा हो, अगर मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करके कहता हूं कि बेटा आप खड़े हो जाएं और आप कौमी तराना पढ़ना शुरू कर दें, तो वो एक स्टूडेंट जो है, जब वो नेशनल एंथम पढ़ रहा होगा, तो उसकी तरफ से नंबर ऑफ वेव्स इस वाइट बोर्ड की तरफ एक मखसूस वेव्स होंगी, चंद एक वेव्स होंगी, ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि 10 वेव्स होंगी। तो इस वाइट बोर्ड को अगर आप देखें, ये वाइट बोर्ड उस आवाज के रस्ते में परपेंडिकुलर है, क्लियर। लेकिन अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स को सेम लाउडनेस पर नेशनल एंथम पढ़ने का कहूं, तो इसी परपेंडिकुलर एरिया पर नंबर ऑफ वेव्स भी बढ़ जाएंगी। तो ये होता क्या है? दरअसल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज की शिद्दत से हमें ये पता चलता है कि किसी स्पेसिफिक परपेंडिकुलर एरिया से, ठीक है, किसी स्पेसिफिक परपेंडिकुलर एरिया से कितनी वेव्स उसमें से गुजर रही है, वहां से ट्रांसफर हो रही है,
तो वो आवाज की शिद्दत कहलाएगी। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी है स्टूडेंट की, अगर वो एक स्टूडेंट नेशनल एंथम पढ़ रहा हो तो उस सूरत में आवाज की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स नेशनल एंथम पढ़ना शुरू कर दें तो उस सूरत में आवाज की इंटेंसिटी, आवाज की शिद्दत बढ़ जाएगी। आवाज की शिद्दत एक फिजिकल क्वांटिटी है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन मौजूद है, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से देखिएगा। इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसे वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, ठीक है, जॉल पर सेकेंड इंटू पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि जो मटेरियल है उसका कितने मीटर स्क्वायर, जनरल यूनिट जो उसका कितना एरिया है, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है, उस जनरल एक स्पेसिफिक परपेंडिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी गुजर रही है, ठीक है, पर सेकेंड में, मतलब जॉल पर सेकेंड वॉट बन जाता है, ठीक है। तो कितने वॉट एनर्जी जॉल पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर में से ट्रांसफर हो रही है, वो उस आवाज की इंटेंसिटी कहलाती है। मुख्तलिफ आवाजों की इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट होती है। आमतौर पर जो ऑडिबल साउंड है, जो मध्यम तरीन आवाज है, फेंटेस्ट साउंड, ठीक है, बिल्कुल हल्की आवाज जो है, उसके लिए कॉन्स्टेंट दिया गया है आई। अच्छा, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे डेरिवेशन आएगी उसके अंदर हम ये क्लियर करेंगे। उसे हम कहते हैं आई नॉट इक्वल्स टू 10 हैज पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। हम तमाम आवाजों का मवाजना इसी से करते हैं, ठीक है, इसी साउंड, इसी इंटेंसिटी ऑफ साउंड से करते हैं और प्रॉपर आवाज की लाउडनेस या इंटेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 का। सवाल पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, या फिर आपसे ये दरमियान से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस, ऑन व्हाट फैक्टर द पिच डिपेंड्स अपॉन, व्हाई द साउंड ऑफ वुमेन आर श्रिल मोर देन दैट ऑफ मेन, ठीक है, खवातीन की आवाज जो मर्द हजरात हैं उनसे ज्यादा बारीक या श्रिल क्यों होती है, आपने बताना है, क्योंकि खवातीन की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से उनकी पिच भी ज्यादा होती है। इस तरीके का आपसे, फिर आपसे डिफाइंड क्वालिटी ऑफ साउंड और इसके बारे में पूछा जाएगा, फिर आपसे डिफाइंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना है। थैंक यू वेरी मच।